सर्जरी से ग्लूकोमा ठीक नहीं हो सकता, जो हमारी आँख का प्रेशर है उसके लिए हम सर्जरी करते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए, लेकिन जो आपकी आँख की नसें सूख जाती हैं या सूख चुकी हैं उसका कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन से आपकी आँख की रोशनी वापस नहीं आ सकती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी रोशनी बिल्कुल ठीक है, 6x6 आपका विजन है तो आपको ग्लूकोमा नहीं हो सकता। मैंने आपको जैसे बताया था ये साइलेंट किलर ऑफ विजन है, आपको पता ही नहीं चलता, वो धीरे धीरे आपका फील्ड कम करना शुरू कर देता है, लेकिन हम सेंटर से बिल्कुल साफ देख पा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा विजन पूरा है, 6x6 है, लेकिन साइड से हमारी रोशनी धीरे धीरे जानी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि आपको साइड से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको डार्कनेस बढ़ रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना ग्लूकोमा टेस्ट करा सकते हैं। ये भी मिथ है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ग्लूकोमा नहीं है तो आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये 100% जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए किसी को भी किसी भी एज में ग्लूकोमा प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, अगर आपकी आँख का प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपकी आँख की नस सूखेगी सूखेगी। और ये मिथ है कि लोगों को लगता है कि हमें ग्लूकोमा है तो हमारे ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम ब्लाइंड नहीं होंगे। वो 100% ब्लाइंड हो सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपकी आँख की नस पे पड़ता है और नस सूखने की वजह से आप 100% ब्लाइंड हो सकते हैं। कुछ लोग डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि हमें ग्लूकोमा है तो शायद हमारी कोई टेस्टिंग हो, कुछ डायग्नोज ऐसा हो जिसकी वजह से हमें आंखों में दर्द हो या पेनफुल हो। ऐसा कुछ नहीं है, इसके प्रोसीजर्स बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो आप आराम से अपना प्रेशर टेस्ट करा सकते हैं, अपना फील्ड टेस्ट करा सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम लग रहा है तो आप अपना जाके आँखों का टेस्ट कराएं। अगर आपको ग्लूकोमा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाइंड होंगे ही होंगे, ग्लूकोमा का इलाज संभव है आयुर्वेद में। हम डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल में पिछले 42 साल से ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो आपकी आँख की नस सूख जाती है अगर वो 100% ड्राई नहीं हुई है, यानी कि अगर आपको 5 से 10% दिखाई दे रहा है, तो हमारी दवाइयों से जो आपकी ऑप्टिक नर्व है जो रोशनी बनाती है उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, उसमें दोबारा से जान डाल सकते हैं और आपकी रोशनी को वहाँ रोक भी सकते हैं, उसे वापस भी ला सकते हैं। तो इलाज संभव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन दवाइयों से हम आपका इलाज कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है कि उसका कोई रिसर्च नहीं है, उस पर हमने 10 से 15 साल रिसर्च किया है और वो FDA अप्रूव्ड है और WHO GMP सर्टिफाइड मेडिसिन है। तो इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपकी जो रोशनी जा रही है, जो ब्लाइंडनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं, आपकी रोशनी वापस आ सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही ग्लूकोमा होता है, कि आप 70 साल के हैं, 80 साल के हैं तभी आपको ग्लूकोमा होगा। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो 40 साल की उम्र के भी आते हैं, 20 साल की उम्र के भी आते हैं, चोट लगने की वजह से भी ग्लूकोमा बन जाता है, या फिर कुछ लोग सर्जरीज कराते हैं अपनी आँखों की तो उनको उसके बाद भी ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आती है।